वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने फोटोशॉप का एक नया ट्यूटोरियल लेके आ गया हूँ। तो आज हम सीखेंगे एनिमेशन इफेक्ट। तो देखिए आप लोग बहुत सारा फोटो एडिटिंग आप लोग सीखी हो मेरा चैनल पे, तो आज मैंने फोटोशॉप में एनिमेशन इफेक्ट सिखाऊंगी। तो जो जो फ्रेंड अभी भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्या जब भी ट्यूटोरियल अपलोड करेंगे आपका पास तुरंत मैसेज आ जाए। ओके, तो हमारा ट्यूटोरियल आप लोग का पसंद आया तो एक तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा एंड आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो आज का एनिमेशन जो ट्यूटोरियल शुरू करते हैं, तो चलिए ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। सो गाइज, देखिए हम लोग एनिमेशन इफेक्ट क्रिएट करेंगे, तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने फोटोशॉप ओपन करूँगी एंड फोटोशॉप में देखिए वाला इमेज मैं इंपोर्ट करके रखी हूँ। ओके, तो इसके बाद हमको क्या करने होगा, इसके बाद टाइमलाइन मैंने ओपन करूँगी। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे विंडोज़, देन देखिए इधर टाइमलाइन ऑप्शन में मैंने जस्ट क्लिक किया, देखिए इधर टाइमलाइन आ गया। ओके, तो इसके बाद क्या करूँगी, हमको एक वीडियो इंपोर्ट करने होगा, तो इसीलिए मैं देखिए इधर लेयर पैनल ओपन करूँगी। तो इसके बाद देखिए मैं वीडियो लेयर ओपन करूँगी एंड देखिए न्यू ब्लैंक वीडियो लेयर। ओके, दोनों ऑप्शन है, न्यू वीडियो लेयर फ्रॉम फाइल एंड न्यू ब्लैंक वीडियो लेयर। ओके, तो हम लोग जाएंगे न्यू वीडियो लेयर फ्रॉम फाइल, जस्ट क्लिक करेंगे। तो मेरा डेस्कटॉप में है जो फोल्डर, तो ये वाला फोल्डर मैंने ओपन कर लिया। तो देखिए इधर दोनों वीडियो है, तो सबसे पहले हम लोग स्टीम जो वीडियो, स्मोक जो वीडियो है, स्मोक वीडियो मैंने जस्ट क्लिक करके ओपन किया। ओके, तो वीडियो इंपोर्ट होने से थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। सो गाइस, देखिए इधर वीडियो आ गया, तो मैंने थोड़ा सा टाइमलाइन को जूम कर लेता हूँ। देखिए ये वाला हमारा जो वीडियो आ गया, तो वीडियो को हम लोग सबसे पहले सेट करेंगे इमेज के ऊपर। देखिए ऐसे करके कीबोर्ड का ऑल्ट प्रेस करके हम लोग सेट करेंगे। ओके, ओके सेट हो गया। तो इसके बाद हम लोग ब्लेंड मोड चेंज करके स्क्रीन कर दिया। तो स्क्रीन करने के बाद देखिए हम लोग थोड़ा सा और भी एडजस्टमेंट करेंगे, ऐसे करके एडजस्टमेंट कर लिया। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे एडजस्टमेंट पैनल, देन देखिए इधर लेवल ऑप्शन में जाके जस्ट क्लिप ऐड कर देंगे। ओके, तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। ओके, तो एडजस्टमेंट हो गया। तो इसके बाद देखिए जो देखिए टाइमलाइन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, तो इमेज देखिए इतना है एंड वीडियो इतना है, तो हम लोग को क्या करना है, सेट करना है। ओके, टोटली इमेज को हम लोग एक ठो टाइम पे सेट कर दिया। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करके देख लेते हैं। तो देखिए इधर प्रोसेस चालू हो गया, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके गाइस, देखिए इधर जो वीडियो है, वीडियो देखिए चालू हो गया। तो मेरा कीबोर्ड का स्पेस की मैंने जस्ट प्रेस करने के बाद देखिए वीडियो चालू हो जाएगा। ओके, ओके, तो इसके बाद वीडियो टोटली चालू होने से क्या करना है, देखिए ये वाला जो कर्सर है जस्ट फर्स्ट ऑप्शन में रख के इधर देखिए जो तीनों डॉट वाला ऑप्शन है जस्ट मैंने क्लिक कर लिया। देन देखिए इधर लूप प्लेबैक ऑप्शन में मैंने जस्ट क्लिक कर दिया, तो देखिए वीडियो कंटिन्यूसली चालू रहेगा। तो इसीलिए मेरा कीबोर्ड का स्पेस की मैंने प्रेस किया, तो देखिए वीडियो चालू हो जाएगा। देखिए गाइस, तो वीडियो इधर देखिए स्टॉप नहीं हुआ है क्योंकि मैंने इधर देखिए लूप प्लेबैक ऑप्शन में मैंने चेक कर लिया। ओके, तो वीडियो कंटिन्यूसली चालू रहेगा। तो मैंने फिर से स्पेस बटन मैंने जस्ट क्लिक कर दिया, तो देखिए वीडियो पॉज हो गया। स्टार्ट करने से फिर भी मैंने स्पेस बटन क्लिक किया, तो देखिए स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और जो पार्टिकल जो स्नो वीडियो है वो वीडियो इम्पोर्ट करेंगे। तो इसीलिए तो जस्ट इसीलिए देखिए कर्सर को मैंने फर्स्ट ऑप्शन में मैंने सेट कर दिया। फिर से हम लोग जाएंगे लेयर पैनल, जस्ट देखिए इधर मैंने जाऊंगी वीडियो लेयर। ओके, तो वीडियो लेयर में जाके न्यू वीडियो लेयर फ्रॉम फाइल। ओके, तो ये वाला डस्ट मैंने जस्ट सिलेक्शन किया, डस्ट वीडियो देन ओपन।
तो ये वीडियो देखिए, इधर इंपोर्ट होना चालू हो गया। ओके गाइस, देखिए मेरा वीडियो इधर इंपोर्ट हो गया। तो इसके बाद देखिए वीडियो को जस्ट स्टॉप ऑप्शन में मैंने छोड़ दिया, एडजस्ट कर लिया। देन देखिए इधर रिलीज क्लिपिंग मास्क ऑप्शन में मैंने जस्ट क्लिक कर दिया। इसके बाद हम लोग ब्लेंड मोड चेंज करके स्किन कर लिया। ओके, एंड थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे वीडियो का, वीडियो को देखिए ऐसे करके एडजस्टमेंट कर लिया। तो इसके बाद मैंने लेबल ऑप्शन में जाऊंगी, जस्ट एडजस्टमेंट पैनल में जाऊंगी, देन लेबल। ओके, लेबल ऑप्शन में जाके क्लिप ऐड कर दिया। थोड़ा सा लेबल को हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे ऐसे करके। तो इसके बाद इसका एक डुप्लीकेट कॉपी मैंने क्रिएट करूंगी कंट्रोल जे करके। तो ये वाला पार्टिकल को नीचे वाला ऑप्शन में मैंने सेट कर दिया। तो इसके बाद देखिए फिर से हम लोग लेवल एडजस्टमेंट करेंगे। तो जस्ट एडजस्टमेंट पैनल में जाके इधर देखिए लेवल ऑप्शन में मैंने क्लिक कर लिया, क्लिप ऐड कर दिया। तो इसके बाद देखिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट, लेवल को एडजस्टमेंट कर लिया। ओके, तो देखिए वीडियो हमारा क्रिएट हो गया। तो इसके बाद फिर हम लोग रेंडर कर लेते हैं। तो इसके रेंडर करने से पहले देखिए इधर टाइमलाइन को हमको सेट करने होगा। देखिए जस्ट वीडियो को मैंने सेट कर लिया। ओके, तो हमारा वीडियो देखिए टाइमलाइन के ऊपर सेट हो गया। तो आप लोग जो भी चाहे जितना सेकंड आप लोग वीडियो को क्रिएट करना चाहे आप लोग क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो इसके बाद हम लोग फिर से वीडियो को रेंडर करेंगे। जस्ट देखिए स्टार्ट ऑप्शन मैंने क्लिक कर दिया, इधर प्रोसेसिंग चालू हो गया। तो गाइस देखिए इधर वीडियो रेडी हो गया। देखिए हमारा वीडियो इधर क्रिएट हो गया। तो गाइस देखिए इसके बाद हम लोग इधर वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट करने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, इधर फाइल पे जाऊंगी। फाइल से देखिए इधर हम लोग जाएंगे इधर एक्सपोर्ट, एंड एक्सपोर्ट में जाके देखिए इधर सेव फॉर वेब ऑप्शन में मैंने जस्ट क्लिक कर लिया। इधर देखिए एक बॉक्स आएगा, तो देखिए इधर रेंडरिंग हो रहा है। तो गाइस देखिए इधर वीडियो आ गया। तो इसके बाद हम लोग सेटिंग्स को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। देखिए इधर प्रीसेट जो है ना, प्रीसेट को सब जो ऊपर वाला देखिए जिप 128 जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आप लोग सिलेक्ट कर लेना। ओके, तो ये ऑप्शन मैंने सिलेक्ट कर लिया। ओके, तो इसके बाद देखिए जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट आप लोग जिप सिलेक्ट करना। ओके, एंड इधर देखिए सिलेक्टिव ऑप्शन में मैंने जस्ट क्लिक कर लिया। ओके, तो ये वाला सेटिंग्स रहेगा, इधर कलर 128 रहेगा। तो इसके बाद आप लोग सेव ऑप्शन में जस्ट क्लिक करोगे तो इधर एक्सपोर्ट होना चालू हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट होने से थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो इसीलिए मैं स्किप कर देता हूँ। आप लोग ये वाला सेटिंग्स को सेट करके सेव ऑप्शन में मैंने जस्ट सेव ऑप्शन में क्लिक करने के बाद भी बात ही देखिए इधर रेंडर होना चालू हो जाएगा। तो देखिए हमारा वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद देखिए ये वाला वीडियो आए इधर एक्सपोर्ट हो गया। तो वीडियो मैंने ओपन करके दिखाता हूँ आप लोग को। देखिए तो हमारा देखिए इधर जो एनिमेशन इफेक्ट इधर क्रिएट हो गया। ओके, सो गाइस आई होप कि ट्यूटोरियल आप लोग का अच्छा लगी है। तो हमारा ट्यूटोरियल आप लोग का अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, हमारा कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिएगा आपको क्या क्या ट्यूटोरियल चाहिए वो भी आप लोग बोल सकते हो, हम कोशिश करेंगे कि वो ट्यूटोरियल देने के लिए। एंड हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करो क्योंकि नया नया ट्यूटोरियल आने वाला है। एंड जरूर एक लाइक कीजिएगा एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय।